हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 18 फोर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 16 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर हमारा करेंगे। ठीक है, ये आपका चैप्टर सेकेंड है। फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, सो अब हम चैप्टर सेकेंड जो है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट उसको स्टार्ट करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो एज़ वी नो दैट फूड वी ईट हैज़ डिफरेंट टेस्ट। तो बच्चों, जो भी फूड हम खाते हैं उसका टेस्ट अलग अलग होता है। द शॉर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन दैम। जो टेस्ट होता है इनका, शॉर और बिटर टेस्ट, यानी खट्टा होता है, कड़वा होता है फूड का, तो वो किसके कारण होता है? वो एसिड्स और बेसिस के कारण होता है जो कि खाने में प्रेजेंट होते हैं। सो हम जानेंगे एसिड्स और बेसिस होते क्या हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में ज़रूर पढ़ा हुआ है ना, तो हम यहाँ पर उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, एसिड क्या है? कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, दे आर शावर इन टेस्ट। वो कैसे होते हैं? वो खट्टे होते हैं, शावर होते हैं, बिकॉज दे कंटेन एसिड, क्योंकि उनके अंदर एसिड होता है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटांस इज एसिडिक। तो उनका जो केमिकल नेचर है उन सब्सटांसिस का वो नेचर कैसा है? वो नेचर उनका एसिडिक है। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल एसिड। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये नेचुरल एसिड्स के एग्जाम्पल रहेंगे। अब हम बात करते हैं बेसिस की। ठीक है, तो बेसिस जैसे सम सब्सटेंसेस आर बिटर इन टेस्ट, फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा, इफ़ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील सोपी, सच सब्सटेंसेस इज नोन एज बेसिस। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज टू बी बेसिक। तो देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जो सब्सटेंस हमें टेस्ट में कड़वे लगते हैं वो क्या होंगे? वो बेस होंगे, और जो खट्टे लगते हैं वो एसिड होंगे, जैसे कि ऑरेंज जूस है, लेमन जूस है, विनेगर है। आप देखिए, बात क्या है कि जो भी ये सब्सटेंसेस हैं, ये जिनके अंदर एसिड प्रेजेंट है, ये नेचुरल एसिड है, जिनको हम खा सकते हैं, एडिबल एसिड है। ठीक है, और जो बेसिस होते हैं वो टेस्ट में कैसे हैं? बिटर हैं। और अगर हम उनको फिंगर्स के बीच में ऐसे रब करते हैं तो वो हमें जैसे साबुन होता है, साबुन क्योंकि बेस का बना हुआ है तो हमें जैसे चिकना लगता है ना साबुन, ऐसे ही जो बेस है वो भी हमें कैसे लगते हैं? हमें चिकने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम एसिड की बात करें, अब कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो हम उनको खा नहीं सकते, वो एसिड्स मिनरल एसिड्स कहलाते हैं। क्या कहेंगे उनको हम? मिनरल एसिड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ये कैसे एसिड हैं? ये बहुत ही, आप कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। क्लियर। अब देखिए, सॉल्ट क्या होते हैं? द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस, फॉर एग्ज़ाम्पल NaCl, CuSO4। तो कंपाउंड्स जो कि कैसे फॉर्म होते हैं, जो कुछ कंपाउंड जो एसिड और बेस के रिएक्शन से फॉर्म होते हैं, जैसे कि अगर हम देखें, आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा हुआ है, तो HCl और NaOH जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? NaCl प्लस वाटर बनता है। अब ये NaCl क्या है? NaCl जो है वो सॉल्ट है। तो NaCl सॉल्ट कैसे फॉर्म हुआ? इट फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेस के आपस में रिएक्शन हुई तब NaCl बना, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम सॉल्ट कहते हैं। नाउ यस, यू आर राइट, वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटांस। हम के हर एक सब्सटांस को टेस्ट नहीं कर सकते। तो जब हर एक सब्सटांस को हम टेस्ट नहीं कर सकते तो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटांसिस उनको टेस्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं कि वो सब्सटांस एसिडिक हैं या बेसिक हैं। इन सब्सटांसिस को हम क्या कहते हैं? इन सब्सटांसिस को हम इंडिकेटर्स कहते हैं। तो याद रखेंगे, सब्सटांसिस क्या कहलाते हैं? सब्सटांसिस को हम इंडिकेटर्स कहते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि हमारे पास जो भी गिवन है, जो भी सॉल्यूशन गिवन है, उसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है। क्लियर। अब अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो देखिए, NaOH जो है ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक बेस है। KOH ये भी क्या है? ये सब बेस हैं। अब हम डिफरेंस करते हैं एसिड्स और बेसिस में। तो देखिए, जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, उससे पहले हम इंडिकेटर्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स बच्चों 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, और तीसरा है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर।
नेचुरल इंडिकेटर कौन से इंडिकेटर्स हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स विच वी गेट फ्रॉम नेचर, हमें नेचर से मिले हैं उनको हम नेचुरल इंडिकेटर कहेंगे। जैसे फर्स्ट क्या है? लिटमस। लिटमस इंडिकेटर वो क्या है? अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या देता है? वो रेड कलर देता है। अगर बेस के साथ करता है तो ब्लू देगा। रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, ठीक है, जो लाल गोभी होती है ना उसके पत्तों से हम निकालते हैं, तो उसको अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो रेड कलर मिलता है, और बेस के साथ कराते हैं तो ग्रीन कलर मिलता है। इसी तरह देखिए नंबर थर्ड है टर्मेरिक। टर्मेरिक यानी हल्दी। अगर एसिड के साथ देखते हैं तो ये कोई चेंज इसके अंदर नहीं होता, जबकि बेस के साथ जो है ये कैसा कलर देता है? बेस के साथ ये रेड कलर देता है। आपने देखा है कपड़ों पे अगर हल्दी के दाग लग जाए और उसको साबुन से वॉश करते हैं तो वो रेड जो है कैसे हो जाते हैं? रेड हो जाते हैं। तो रेड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि साबुन का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, जिसके कारण हल्दी से रिएक्ट करके टर्मेरिक से वो उसका कलर चेंज कर देता है। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के इंडिकेटर की, जो कि कौन सा है? सेकंड टाइप इंडिकेटर, जो कि है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा इंडिकेटर होता है? जो मैन मेड होते हैं, हमारे द्वारा लैब्स में बनाए गए इंडिकेटर। उसमें हम सबसे पहले करेंगे मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज जो है एसिड के साथ कैसा देगा? रेड देगा। और बेस के साथ कैसा देता है? ये जो है येलो कलर देता है। फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन जो है एसिड के साथ ये कलरलेस होता है, जबकि ये बेस के साथ कैसा कलर देता है? बेस के साथ ये पिंक कलर देता है। तो आपको याद रखना है इंडिकेटर जो है वो मिथाइल ऑरेंज के साथ जो है रेड कलर, और बेस के साथ ये येलो कलर प्रोवाइड करेगा। फिनोफ्थलीन कलरलेस है और पिंक कलर देगा बेस के साथ। नेक्स्ट देखिए थर्ड टाइप का इंडिकेटर है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। सो दीज इंडिकेटर्स हैव डिफरेंट ऑर्डर एसिड्स एंड बेसिस सच एज। तो ये जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं ये स्मेल के बेस पे होते हैं, ऑर्डर के बेस पे होते हैं। अगर हम अनियन जूस लेते हैं और अनियन जूस की एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर क्या होगी? एक स्मेल जो है अनियन की होती है ना स्मेल, वो स्मेल इसमें बनी रहेगी, जबकि बेस के साथ इसको डालने से इसमें कोई स्मेल नहीं होगी। क्लियर। इसी तरह वेनीला, इसकी स्मेल एज इट इज़ रहेगी एसिड में, जबकि बेस में इसकी स्मेल चली जाएगी, कोई स्मेल नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए क्लो ऑयल। अगर हम एसिड की बात करें तो इसकी स्मेल एज इट इज़ रहेगी एसिड में, लेकिन बेस में जो है इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि एसिड और बेस में अगर हम कंपेयर करें तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बेस में कोई भी स्मेल नहीं देंगे, जबकि एसिड में एक पर्टिकुलर एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है उनके अंदर। अब हम डिफरेंस समझेंगे एसिड और बेस में, कि हमने जितनी भी बातें पढ़ी उसके बेस पे हम एसिड और बेस में क्या क्या डिफरेंस कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले एसिड जो है, एसिड क्या करते हैं? दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो एसिड जो है वो ब्लू को रेड कर देते हैं, जबकि बेस क्या करते हैं? ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू करते हैं। याद रखेंगे ब्लू जो बेस हैं वो जो है क्या करते हैं? ब्लू करते हैं, ठीक है, बीबी। इसी तरह देखिए एसिड जो है वो टेस्ट में कैसे होते हैं? टेस्ट में शावर होते हैं, तो ये टेस्ट में बिटर होते हैं। एसिड ये कोरोड करते हैं मेटल्स को, ठीक है, यानी ये बहुत ही आप कह सकते हो कि अगर किसी मेटल पे गिर जाए तो ये उसको जला देते हैं, ख़राब कर देते हैं, कोरोड कर देते हैं। और ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए जो एसिड होते हैं वो एच पॉजिटिव आयंस जो हैं वो क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें HCl की, तो HCl क्या करेगा? H+ + Cl-, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H+ आयंस जो है वो निकलेंगे। उसी तरह देखिए अगर हम बात करते हैं बेस की, तो ये OH- नेगेटिव जो है OH नेगेटिव आयंस रिलीज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम NaOH का एग्जांपल लें तो ये क्या देगा? Na+ + OH-, ठीक है। तो सोडियम पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन ये देते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम बेस कहते हैं। अब जो बेस होते हैं वो स्लिपरी फील करते हैं, स्लिपरी यानी चिकने होते हैं। मोस्ट हैंड क्लीनर एंड ड्रेन क्लीनर आर बेसिस। तो जितने भी सफाई करने के वाले प्रोडक्ट हैं, नालियां साफ करने वाले प्रोडक्ट हैं, वो सब किनका नेचर कैसा होता है? उनका नेचर बेस होता है, जैसे कि अमोनिया होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वो कोरोजिव नेचर के हैं। कोरोजिव यानी वो भी मेटल को ख़राब कर देते हैं। तो कैसे नेचर के हैं? कोरोजिव नेचर के हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों में डिफरेंस भी कर लिया और एग्जांपल भी हमने समझ लिए। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। तो एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस लिखना है, बहुत ही आसान है।
देखिए फर्स्ट एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करते हैं, ब्लू को रेड करते हैं। इट इज श्योर इन टेस्ट, टेस्ट में खट्टे हैं। इट गिव्स एच प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन एंड फॉर एग्जांपल रहेगा HCl एंड H2SO4। नेक्स्ट देखिए बेस के बारे में लिखेंगे आप, दे कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। बेस जो है रेड को ब्लू करते हैं, टेस्ट में बिटर होते हैं एंड इट गिव्स OH- नेगेटिव, ठीक है, OH- आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन एंड फॉर एग्जांपल NaOH KOH आप इसका एग्जांपल लिख देंगे। क्वेश्चन सेकंड है, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज विंडो क्लीनर्स, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज द नेचर। तो रेड लिटमस को ब्लू जो करता है वो कैसे नेचर का होगा, बेसिक नेचर का, ठीक है। और सफाई के काम में हमने पढ़ा था कि उन प्रोडक्ट का नेचर बेसिक होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे, मार्क ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स इफ इट इज फॉल्स। तो देखिए नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू, तो नाइट्रिक एसिड है तो ये ब्लू को रेड करता है ना कि रेड को ब्लू, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सेकंड देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये क्या है, ये बेस है जो कि ब्लू करेगा, इसलिए ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड देखिए, इंडिकेटर्स इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। तो इंडिकेटर्स वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट कलर शो करते हैं एसिड और बेसिक सॉल्यूशंस में, हमने एग्जांपल भी समझे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, हाउ डज द स्पॉट ऑफ टर्मेरिक ऑन द क्लोथ चेंजेस इट्स कलर व्हेन वी ट्राई टू वॉश इट विद सोप। अगर हम सोप के साथ टर्मेरिक अगर स्पॉट लगा हुआ है क्लॉथ्स के ऊपर, ठीक है, उसको वॉश करते हैं तो वो उसका कलर चेंज हो जाता है कैसे, तो आंसर लिखेंगे टर्मेरिक एक्ट एज एन इंडिकेटर, इंडिकेटर की तरह काम करती है। व्हेन सोप इज अप्लाइड ऑन टर्मेरिक इट चेंज द कलर ऑफ टर्मेरिक ड्यू टू इट्स बेसिक नेचर, ठीक है, एंड टर्न इट रेड। तो सोप जो है वो कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का है, जिसके कारण वो टर्मेरिक के कलर को चेंज कर देता है जिससे वो रेड हो जाता है। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।